आयुर्वेद कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर सिवान जिले की 8 लड़कियों से लाखों रुपए की ठगी करने व विरोध करने पर कमरे में बंधक बनाकर मारपीट की गई है। घटना सदर थाना क्षेत्र की गोबरसही डुमरी रोड की है। बंधक बनी लड़कियों में से एक के परिजन ने इसकी शिकायत ASP टाउन अवधेश सरोज दीक्षित से कर दी। इसके बाद एक्शन में आई सदर थाने की पुलिस ने कंपनी के कार्यालय में रविवार की रात छापेमारी कर बंधक बनी 8 लड़कियों को मुक्त करा दिया। इनको ट्रेनिंग देने वाले 2 युवती समेत 3 को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं कार्यालय का संचालन करने वाले 3 शातिर मौके से फरार हो गए। इससे पहले झारखंड की युवती व एक लड़की के बयान पर पहले से ही सदर थाने में नौकरी देने के नाम पर रुपए की ठगी करने व बंधक बनाकर मारपीट करने को लेकर 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। मामले में सदर थाने की पुलिस का कहना है कि नौकरी के नाम पर बिहार झारखंड के अलग अलग जिलों के बेरोजगार युवक युवतियों को नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में लाखों रुपए की ठगी करने की शिकायत मिली थी। इस मामले में पहले से ही मुख्य आरोपी अखिलेश कुमार को जेल भेज दिया गया है। रविवार की रात भी बंधक बनाने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी कर 8 लड़कियों को मुक्त कराया गया है। इन लड़कियों लोग का जो है सो दवाई लड़की सब है, इनको जो है सो कुछ नौकरी के नाम पर झांसा दे करके रूम में रखा गया है। इसका जांच चल रहा है, क्या क्या सत्यापन होगा तो बाद में उजागर होगा तो बताएंगे। सूचना कैसे मिल गई थी? सूचना जो है सो उसी में से एक लड़की के गार्जियन के रूप जो है दिए थे, उसी के आधार पर जो छापामारी किया गया है, उसका जांच चल रहा है।